पैलेस अंबिकापुर, कहाँ चले गए यार उन लोग, काफी ज्यादा स्टॉल लगा हुआ है अंदर में और स्टॉल भी लगा हुआ है इधर, लोग आ ही रहे हैं और हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं अंदर। यहाँ से देखने के बाद सभी जितने लोग भी हैं सब पीजी कॉलेज जाएंगे, लिपाई पोताई अच्छे से कर दिए हैं सामने। मेरी एल्बम की शूटिंग मुलाकातें जो सर हैं चंद्रिका सर जी बलरामपुर से, यही मेरी एल्बम की शूटिंग हुई थी। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज है रावण दहन और हम लोग आए हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे टीएस बाबा के पैलेस पे। लास्ट व्लॉग देखे होंगे आप लोग रावण दहन की, तो रावण दहन की वाली व्लॉग वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे समय हो रहा है अभी 3 बज रहा है, तो वीडियो को आज की शुरुआत करते हैं। काफी ज्यादा लाइन लगे हुए हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ ही देर में हम लोग अंदर जाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल को नया देख रहे तो प्लीज वंस अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ का कैसा है। एल्बम की शूटिंग मेरी यही हुई थी इसी जगह पे, और बस ये पोताई नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो अच्छे से मस्त पोताई कर दिए हैं, व्हाइट कलर में एकदम मस्त लग रहा है ये पैलेस। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैं रह रही हूँ 2013 से रह रही हूँ अंबिकापुर में, लेकिन आज तक मैं अंदर नहीं गई थी, मतलब मिस कर देती थी। तो इस बार इस साल 2022 में मैं अंदर जाने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू, तो वीडियो को प्लीज एंड तक आप लोग बने रहिएगा। हेलो, चिरमिरी से आए हुए हैं यहाँ घड़ी देखने के लिए। हाँ, पहचान नहीं रही है हम लोग स्पेशल कंचन जी से मिलने आए, तो यहाँ कैसे दिख रही हैं? आपको तो मेरे घर होना चाहिए था, कंचन जी को यही फोन करके बुलाए थे हम लोग। हाँ, बस बस काटो 150 रुपए। टीएस बाबा जी आ गए हैं, अंदर जाने का परमिशन मिल गया है, आप लोग देख सकते हैं इतना ज्यादा भीड़ है। अभी आ गई हूँ फिर से महल में अंदर जाने के लिए, समय हो रहा है 3:30 और फिर इतना ज्यादा भीड़ है, इतना ही भीड़ था तो उन लोग अंदर चले गए हैं, उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन लगी हुई है, अंदर यहाँ पे घुस गए हैं बहुत ही मुश्किल से, अब अंदर जाना बाकी है। अंदर घुस गई हूँ मैं, इधर भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, इधर से एंट्री है। कंचन देखा जी, थैंक यू। तो सब्सक्राइबर हुई है, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, अंदर जा रहे हैं, वहाँ बाबा जी भी बैठे हुए हैं, ये तो इन लोग पहले ही आ गए थे थोड़ी सी, अब कैसे इंटर करेंगे, उधर से जाना है ना। आप लोग भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ है, और मेन जो देखने का है सब बोल रहे हैं इसी साइड है, तो अभी हम लोग टीएस बाबा बैठे, अच्छा बाबा जी बैठे हैं अंदर पे, इस साइड पे है, लेकिन इधर बाद में जाएंगे, पहले इधर चलते हैं अपन, आगे निकलते हैं हम लोग, काफी ज्यादा भीड़, 5 बज गया है, 2 बजे से आए हैं, अभी मौका मिला है आने के। आप लोग म्यूजियम देख सकते हैं इसके अंदर, फोटो डालेंगे तो करने तो जाम लगता है ना, अंदर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। बाबा अंदर में,
बाबा जी अंदर में बैठे हुए हैं। वायरल कर लो, वीडियो चलाओ, बस सब कुछ मत करो, चलो 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 आ इधर बैठे हुए हैं, तो हम लोग अभी बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल गए हम लोग, अब दूसरे वाले में जा रहे हैं हम लोग अंदर की ओर, देखते हैं अंदर में क्या है। इधर तो अच्छा था, काफी अच्छा लगा। इस साइड जाते हैं अब। यार यहाँ तो पूरा अंधेला है यार, क्या है यहाँ? ओ भाई कहाँ पे यार? घूम मत जाना यार, पकड़ लो हाथ को, अंदर चलते हैं। कुछ है, रूम है सिर्फ, आप लोग देख सकते हैं ये वाला एरिया तो एकदम ही अंधेरा है। यहाँ पे लाइट लगना चाहिए क्योंकि शाम का समय हो गया है अब। नहीं यार कितना है अंदर, मतलब रूम है, मतलब एक क्या बोलना चाहिए जिसको, एक गली में एक रूम है ना, जैसे उधर रूम एक। वो भाई कुछ दिख रहा है, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए, रूम दिखाते हैं, रूम कितने बड़े बड़े रूम होते थे यहाँ। ओ भाई और इतना बड़ा रूम के अंदर रूम। ओ भाई बाहर निकल जाओ यार, क्या डिजाइन है, बाहर निकलो आप। तो फाइनली हम लोग बाहर निकल गए हैं, और अंदर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत भीड़ था, मतलब हम लोग के लिए तो अच्छा ही था क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं। अगले साल मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, अगले साल भी देखने के लिए, कुछ नया देखने के लिए। हे गाइस, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आज था दशहरा, दशहरे के दिन ही ये खुलता है गढ़ी, जिसमें जितने भी जनता होते हैं, कोई भी, या शहर से हो या गांव से हो, कोई भी आके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि गढ़ी पहले कैसे हुआ करता था। आज के ज़माने में तो गढ़ी मिलता भी नहीं है, पुराना गढ़ी ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था पैलेस गढ़ी, जो कि अंबिकापुर में है। और आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी आइएगा, अगर आप लोग इस बार नहीं आ पाए तो आप लोग नेक्स्ट ईयर आइएगा। दशहरा के दिन, सिर्फ एक दिन साल में, सिर्फ एक दिन दशहरा के दिन आप लोग यहाँ पे आइएगा और विजिट कीजिएगा। लेकिन मैं बता दूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। हम लोग आए थे 2 बजे से, आए थे 5:30 हो गया है, यहीं पे ही थे हम लोग। तो वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।